बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली के तमाम अहले खाना को मेरी जानिब से बहुत ज़्यादा सलाम, दुआएं और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार। और सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह पाक का, माशाल्लाह से हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो इस वक्त मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता, तो आपके साथ शेयर करूँगी, तो रहिएगा आप मेरे साथ। तो आपको दिखाती हूँ, सामने आप देखें माशाल्लाह से करेलों की बेल जो लग चुकी है, बाहर जो मतलब वो है जगह है वहाँ पर लगाई हुई है, और ना वहाँ से वो माशाल्लाह ऊपर आते आते ना रस्सी से बांध दी हमने ना, एक बेल वो है जो येलो सामने आप देख रहे हो, येलो फूल वाली बेल, ये बेल है। तो मतलब जब एक जगह खड़ी हो जाएगी तो मतलब इतनी ऐसी हो जाएगी, तो ये वो बेल है, बड़े बड़े पत्तों वाली आपको नज़र आ रही होगी। और ये है करेलों की बेल, तो करेले भी माशाल्लाह लग रहे हैं। एक करेला तो बहुत बड़ा हो गया, अब 6-7 करेले एक साथ बड़े हों तो फिर उतार के इंसान पका भी लें। तो माशाल्लाह देखते हैं, और भी लग रहे हैं, लगे हुए और लग भी रहे हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से करेले, घर के करेले होंगे तो इंशाल्लाह पकाएंगे। और चिड़िया पूरी खुशी से आगे पर बैठ रही हैं, तो चले फिर चलते हैं किचन में और बनाते हैं नाश्ता, रहिएगा आप हमारे साथ। बस अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं, जा रहे हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मौसम अजीब सा हो रहा है, मतलब आज रात को ज़रा ठंड थी, दिन को शदीद गर्मी है, वही मौसम हो गया, मतलब दिन में गर्मी और रात को ठंड, इस वजह से बीमारियां पैदा होती हैं, बीमार होते हैं लोग, सबको यही नज़ला ज़ुकाम बुखार खांसी हल्की हल्की। चिड़िया का बच्चा माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, यहाँ बैठ रहा खुश हो रहा है, उनके लिए ना बाजरा रखूँगी यहाँ पर मैं। तो करेला आपको करीब से दिखाती हूँ, देखिए माशाल्लाह से ये देखिए करेला, देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, फूल देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। और करेले और भी दिखाती हूँ आपको, देखिए लग रहे करेले, करेले भी लग रहा है। इंशाल्लाह ताला बस जब लग जाएंगे ना, 6-7 एक जगह लगे ना, फिर उतार लूँगी। तो चलो फिर चलते हैं किचन में। तो चाय बना ली है, देख सकते हैं अभी बनाई है, चाय बना ली है, यहाँ बना लेते हैं पराठे और फिर ना अंडे भी बनाएंगे, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ अंडे बॉयल करूँगी और उसमें कुछ दूसरे बनाऊँगी। चल तवा मैंने रख लिया, तो बना लेते हैं पराठे, बना लेते हैं पराठे, चाय बन चुकी है, पराठे बना लेते हैं माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आ रही आ रही, थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर आती हूँ, ठीक है माला ले जाता है तो ना थोड़ी देर के लिए बाहर आती हूँ, रोता है कभी, तो अंदर आ गए काम नहीं करूँ, इसको उठा के बैठे वही का छोटे बच्चे।
पराठे माशाल्लाह से बन चुके हैं मेरे, तैयार हो चुके हैं। अब बना लेते हैं अंडे। और दो अंडे बॉयल करने के लिए रख दिए, नीचे जला दी आग और यहाँ पर एक अंडा फेंट लिया, नमक मिर्च डाल के इसको बना लेते हैं। और एक अंडा बनाएंगे सादा, बिस्मिल्लाह, इसको फेंट लिया, नमक मिर्च मिला के बिस्मिल्लाह। पराठे दिखाते हैं आपको, माशाल्लाह से देखते हैं गरम है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी हैं, नीचे भी पराठे हैं, ये हैं, ये है। पराठे हमारे हो चुके तैयार, सुगंधा भी तैयार हो रहा है। जिसका अंडा है ना उसकी फरमाइश है कि अंडा जला हुआ होना चाहिए। चलो सही, ऐसे ही बना देते हैं। तो उतार लेते हैं, फ्लेम को रिलीज कर लेते हैं हल्का, और दूसरा अंडा बना लेते हैं साथ ही। ये दूसरा अंडा बन रहा है, कभी कभी टूट जाता है अंडा, आज नहीं टूटा, कभी कभी टूटता, कभी कभी नहीं टूटता। और ये जिसका अंडा उसकी ये फरमाइश होती है कि जर्दी पकी होनी चाहिए, क्योंकि पसंद है। जर्दी पकी होती कर देते हैं बंद। तो देख सकते हैं अब नाश्ता हो चुका है हमारा तैयार। तो अब मैं देती हूँ, जैसे उसने नाश्ता मांगा है, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। सही, ये अंडे बॉयल हो गए, इसमें कर देती हूँ आग तेज़। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद।